नमस्कार दोस्तों, मैं स्थिति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीनों फॉर्मेट की सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां तक कि 19 जनवरी को पहले दो टेस्ट मैचों के लिए होने वाले टीम के ऐलान से पहले दो खिलाड़ी चोट से उबर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की मजबूती के लिए फेमस दो खिलाड़ियों ने नेट्स में वापसी की है। ऐसे में संभव है कि दोनों ही खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चुना जा सकता है। दरअसल तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के धाकड़ स्पिनर आर अश्विन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को परेशानी हुई थी। यही कारण था कि वे चौथे टेस्ट मैच खेलने नहीं उतरे थे। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की सीरीज का आखिरी मैच ब्रिस्बेन में जारी है। दोनों टीमों के बीच ये मैच रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है, जहां टेस्ट के आखिरी दिन अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जा रहे इस निर्णायक मैच में प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जहाँ पेट में जकड़न, वहीं स्टार ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विन पीठ दर्द के कारण प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए। लेकिन अब बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी अपनी चोट से तेजी से उबर रहे हैं, साथ ही आगामी इंग्लैंड दौरे की तैयारी भी कर रहे हैं। संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद मिलने वाले रेस्ट से दोनों खिलाड़ी फिट हो जाएंगे और 5 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में शुरू होने वाली चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। चेन्नई में खेले जाने वाले शुरुआती दोनों टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम को 27 जनवरी को बायो बबल में प्रवेश करना होगा। इस सीरीज में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली की भी वापसी होगी। ईशांत ने साइड स्ट्रेन से उबरकर हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और अच्छी लय में भी दिखे। इसके अलावा विराट भी अपनी बेटी के जन्म के बाद तरोताजा होकर इंग्लैंड के खिलाफ अपने बल्ले और कप्तानी का कमाल दिखाते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।